आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक अगस्त मंगलवार आज तक रेडियो पर यह है दिन भर कुलदीप मिश्र के साथ। दिल्ली में सर्विसेज को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही लड़ाई अब एक बड़े पड़ाव पर पहुंचती हुई दिख रही है। भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। ये मसला अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण का तो है ही, साथ ही आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पर कैसे कमजोर करने की क्षमता रखता है, यहीं से आज दिनभर की शुरुआत। और हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 5 की मौत हो गई। देर से जागी पुलिस कह रही है कि घटना के पीछे सिर्फ कम्युनल एंगल नहीं था, क्या थे वो कारण जिसकी वजह से 5 लोगों की जान गई, पूछेंगे वहां मौजूद हमारे रिपोर्टर से। और बिहार हाई कोर्ट ने जातीय सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन के लिए राहत की खबर। जाति आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। क्या कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में और राज्य सरकार की दलीलें क्या थीं जो अदालत को कन्विंसिंग लगी, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अमेरिका का रुख करेंगे। तमाम आरोपों और अदालती चक्करों में उलझे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी के सारे दावेदारों से मीलों आगे हैं। ताजा सर्वे ये कहता है कि अगले राष्ट्रपति चुनावों के लिहाज से रिपब्लिकन समर्थक डोनाल्ड ट्रंप से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जमशेद कमर सिद्दीकी लेकर आएंगे भौचक खबर, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस चेतना काला से। शुक्रिया कुलदीप। मेवात हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत, हिरासत में 70 लोग, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश, बीजेडी का समर्थन, AIMIM और TMC का विरोध। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल सचिन बिश्नोई को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, अजरबैजान से लाया गया था भारत। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के DGP को भेजा समन, अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित, मंच पर शरद पवार से भी मिले प्रधानमंत्री। बिहार के जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली सभी याचिका पटना हाईकोर्ट से खारिज, लालू यादव बोले सामाजिक न्याय की जीत। 2000 के 88% नोट बैंकों में वापस हुए जमा, RBI ने दी जानकारी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है पाकिस्तान। रूस में फिर से हुआ ड्रोन अटैक, मॉस्को के कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। यह दिन भर मैं हूँ कुलदीप मिश्र। साल 2014 से दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच राजधानी पर नियंत्रण का जो संघर्ष शुरू हुआ था वो अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। दोनों सरकारें चाहती हैं कि राजधानी में अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनके पास रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फैसला दे दिया था कि ये हक दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी खुश हो ही रही थी कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब संसद में अपने संख्या बल के इस्तेमाल से इसे कानूनी प्रोटेक्शन देने की ओर बढ़ रही है। आज केंद्र सरकार ने संसद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश किया और इस बिल के कानून बनते ही दिल्ली सरकार को अपने कई अधिकार केंद्र सरकार से शेयर करने होंगे। अभी ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है और यहाँ से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के कानून बनते ही न सिर्फ अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र सरकार का भी कुछ नियंत्रण होगा, बल्कि दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जैसी संस्थाओं पर भी केंद्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं कुमार कुणाल, शुरू से इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। कुणाल, आज इस बिल की लोकसभा में जब पेश किया गया इसे, तो गणित के लिहाज से तस्वीर कैसी थी, समर्थन में कितने थे और विरोध में कितने? देखिए, ये बिल पेश किया गया है और पेश कर किया नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, और समर्थन में सरकार के समर्थन में जो NDA के घटक दल हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, या ये कहिए कि जिन्होंने अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया था, उसमें बीजू जनता दल ने समर्थन की घोषणा की है। तो बीजू जनता दल लोकसभा में महत्वपूर्ण तो है ही, सरकार को उनका समर्थन मिला है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास लगभग
14 सांसद हैं लोकसभा में, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्यसभा में, क्योंकि वहां पर सरकार के पास थोड़ा एक कहिए थिन बहुमत है, उनके पास उतनी संख्या नहीं है जितनी लोकसभा में है, इसीलिए वहां पर जो 9 बीजू जनता दल के सांसद हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और उनके समर्थन की वजह से बिल पास करने में आसानी होगी। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसकी आंध्र प्रदेश में सरकार है जगन रेड्डी की, वो भी समर्थन में है, तो उनके पास भी 9 राज्यसभा सांसद हैं, तो अब लगता है कि बिल पास करने में कम से कम केंद्र सरकार को दिक्कत नहीं होगी। बाकी जहां तक विरोध की बात है, वहां पर जो इंडिया ब्लॉक के जो की पार्टियां हैं उनका तो समर्थन विपक्ष के लिए है ही, आम आदमी पार्टी के लिए है ही, साथ ही साथ उसके अलावा बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम, इनका भी समर्थन हासिल है। तो जो अभी तक दिख रहा है वो मुख्य नजर थी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल पर, और दोनों सरकार के साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो सरकार के लिए जो हेडेक था वो अब थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, इस पर कई दफे बात हुई है कि इस बिल से बदलेगा क्या क्या, लेकिन एक बार विस्तार से बताएं कि क्या बदलेगा प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली में इस बिल के कानून बनने के बाद। देखिए, बदलाव बहुत सारे स्तरों पर होगा, क्योंकि ये पूरा बिल दिल्ली के सेवा से जुड़ा हुआ है, सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो होगा वो दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के होगा। जो 11 मई का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का, उसमें ये बात कही गई थी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के अलावा जितने सारे विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को है, जिसमें सर्विसेज भी शामिल था। लेकिन अध्यादेश के बाद केंद्र सरकार ने यह कहा कि सर्विसेज पर अधिकार सिर्फ संसद को है और बिना उपराज्यपाल की सहमति के कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक अथॉरिटी बनाई गई है NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें 3 सदस्य हैं, चेयरमैन होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उसमें 2 अधिकारी हैं। उस पर भी आपत्ति थी आम आदमी पार्टी को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा है वो माइनॉरिटी में रहे, लेकिन उसको भी बिल में डाला गया है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये जो है ये मुख्य तौर पर इस बिल का हिस्सा है। इसके अलावा कई सारी चीजें और भी शामिल की गई हैं कि किस तरीके से अगर होता है, विवाद होता है सरकार में और अधिकारियों में, तो फिर उसको किस तरीके से उसको सुलझाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों का क्या कुछ काम होगा, क्या वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, ये भी बात इस बिल में कहा गया है कि अधिकारियों को ये कहा गया है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप को उस पर डिसेंट देने का अधिकार है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बिल का अंग है, और बिल के पास होने के बाद कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उपराज्यपाल की भूमिका ज्यादा अहम होगी, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के अनुपात में। अच्छा कुणाल, अधिकारियों का तो ठीक है कि उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के बदलाव होंगे, लेकिन दूसरी और संस्थाएं जो दिल्ली सरकार के अधीन थी, जैसे दिल्ली महिला आयोग और इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की हम बात कर रहे थे, ये बिल के पास हो जाने के बाद उसमें भी केंद्र सरकार का स्टेक बढ़ेगा, और क्या उससे पॉलिटिकली कमजोर होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, जो अध्यादेश था उसके जो 45D था उसमें ये प्रोविजन रखा गया था कि जो भी दिल्ली में बोर्ड हैं, कमिटीज हैं, कमीशन है या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें जो अधिकार है नियुक्तियों का वो राष्ट्रपति के पास होगा। लेकिन जब बिल आया है तो उसमें इस 45D को थोड़ा सा आप कहिए डाइल्यूट किया गया है, उसके जो केंद्र को अधिकार दिए गए थे उससे थोड़े अधिकार दिल्ली सरकार को अधिक दे दिए गए हैं इस बिल में। और उसमें कहा गया है कि जिनकी नियुक्ति ऐसे किसी कानून के तहत होती है जो बोर्ड संसद के कानून के जरिए बनाया गया है या अथॉरिटी या कमिटी बनाई गई है संसद के कानून के जरिए, वहां पर तो प्रेसिडेंट के पास होगा नियुक्तियों का अधिकार, लेकिन जो बोर्ड अथॉरिटी या कमिटी कमीशन बनाए गए हैं दिल्ली विधानसभा से, तो वहां पर दिल्ली सरकार नियुक्तियां कर सकती है। तो इसके बाद कई सारे जो बोर्ड्स हैं और अथॉरिटीज हैं, कमिटीज हैं, उनमें बदल जाएगा कि किस तरीके से नियुक्ति की जाती है, और निश्चित तौर पर उसमें जो भूमिका है वो केंद्र सरकार की
जब अध्यादेश आया था उससे पहले जितनी भूमिका थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली महिला आयोग या दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, उनमें जो नियुक्तियां होंगी उसमें केंद्र की भूमिका अधिक हो जाएगी। ये थे दिल्ली में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल। हरियाणा के नूह में कल ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नूह से सटे दूसरे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में भीड़ ने अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद में तोड़फोड़ की और फिर वहां मौजूद मौलवी मोहम्मद साद की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 5 लोग भीड़ की जद में आए थे, जिनमें से 4 लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। सोहना इलाके में भी भीड़ ने गाड़ियों पर पथराव किया। नूह की घटना के बाद तकरीबन 80 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। नूह में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट बैन है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सब कुछ अब नियंत्रण में होने का दावा किया है। पुलिस ने और जो केंद्र की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। दावे चाहे जो हों, पर इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लेट लतीफी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक सरकार ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि हिंसा की आशंका अगर पहले से थी तो शोभा यात्रा की परमिशन विदड्रॉ क्यों नहीं की गई। अगर शोभा यात्रा इस माहौल में हो भी रही थी तो वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद क्यों नहीं था। और अगर मोनू मानेसर के आने की अफवाह से ये हिंसा भड़की तो उस अफवाह को काउंटर करने के लिए प्रशासन ने समय से कोई कदम क्यों नहीं उठाया। आज तक रेडियो रिपोर्टर श्रेया चैटर्जी ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने हरियाणा के नूह पहुंची हैं। श्रेया, कल की जो घटना थी उसके कुछ वीडियोस भी आज सामने आए हैं। रात में ही गुरुग्राम में एक मौलवी को भीड़ ने मार डाला। दोनों जगह आपने ग्राउंड पर जाकर के देखा, आपको लगता है कि दोनों घटनाओं में सीधा कनेक्शन है? देखिए, पूरी बात को समझिए कि कल कहां से बात की शुरुआत हुई थी। तो हरियाणा की नूह जिले में एक VHP और बजरंग दल की तरफ से रैली निकाली गई थी और जो रैली थी वो नलहार शिव मंदिर में जाके वहां पे शिव जी का जलाभिषेक होना था। और इसी बीच इस रैली पथराव की खबर है, वहां से हिंसा बढ़ी, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई नूह में। जब नूह की ये हादसा सामने आए तो कई ऐसे जो श्रद्धालु आए हुए थे उस रैली में, उन्होंने भी अपने गुस्सा और नाराजगी जताई। और इसी दफा ये प्रोटेस्ट पहले हमने सोना में होते हुए देखा। सोना में ये जब प्रोटेस्ट हुआ तो सोना में भी कई ऐसे धंधारों में शोरूम में आग जला दी और यही आग बढ़ते बढ़ते गुरुग्राम भी पहुंची, जहाँ की बात आप कर रहे हैं। सेक्टर 47 गुरुग्राम की एक मस्जिद में आग लगा दी गई और साथ ही साथ वहां पे जो मौलाना थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया, वहां से कार्टेजन अभी मिले हैं। फिलहाल जो खबर आ रही है कुल 11 FIR अभी तक रजिस्टर किया गया है। टोटल अगर बात करें तो 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक सिविलियन कैजुअलिटी है, एक जो मस्जिद के मौलाना की डेथ की न्यूज आ रही है और उसके अलावा 2 होमगार्ड जो है पुलिस में तैनात उनकी डेथ की खबर आई है। इसके अलावा 23 ऐसे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और अभी फिलहाल हालात ठीक है। हालांकि सेक्शन 144 अभी भी यहाँ पे लागू है और इंटरनेट सुविधा भी यहाँ पे अभी तक बंद है। अच्छा, नूह के हालात अभी कैसे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, हम जब भी कोई दंगा होते हुए देखते हैं तो ये बोलना जायज है कि कोई भी दंगे में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं किसी भी पक्ष की तरफ बात। यहाँ पर भी हालात कुछ अलग है नहीं। हालांकि सेक्शन 144 लगा हुआ है और पुलिस लगातार एरिया डोमिनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जिनकी दुकानें जल रही हैं, जिनकी घरों में आग लगा दी गई है, सबका एक गुस्सा जो न्यूट्रल पॉइंट से हमें देखने को मिल रहा है वो पुलिस की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में इंटेलिजेंस की फेलियर थी। ये न्यूज पहले से ही थी कि जो बजरंग दल और वेस्ट की रैली है इसमें ऐसे कम्युनल टेंशन हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें एक अक्यूज और काउ विजिलेंटे मोनू मानेसर, लगातार उन्होंने अपनी बयानबाजी सोशल मीडिया में जताई और ये कहा कि वो इस रैली में पार्ट लेंगे
और इसी से कहीं ना कहीं जो पुलिस की भी मानना है कि ये खबर जैसे लोगों को ये लगा कि दोनों मनुष्य इस रैली में आए हैं और उसी प्रदर्शन दर्ज करने के लिए दूसरी एक रैली हुई बजरंग दल और वीएसपी के खिलाफ और यहीं से पथराव की शुरुआत हुई और हालात बिगड़ चले गए। और इस हिंसा की दूसरे राज्यों में और पड़ोसी राज्यों में जैसे राजस्थान तक भी इसका असर न पहुंचे ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं, ये खतरा अब भी है क्या और कितना गंभीर है ये खतरा? देखिए अभी की अगर बात करें तो कोई नए फ्रेश वायलेंस या रायट की खबर नहीं आई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पुलिस की तरफ से भी पहली यही पहल रहती है कि कोई नई तरीके से आग भड़काने की घटनाएं ना घटी। 24 घंटे हम कह सकते हैं कि होने वाले हैं कि कोई नई ऐसी खबर नहीं आई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल हालात पुलिस के काबू में है। कई ऐसे अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी डिप्लॉय किया गया है। जो हरियाणा के डीजीपी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और ये सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो बारी बारी जाके पूरे एरिया डोमिनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो हालात नॉर्मल है। कल जरूर ये बात सिर्फ नू हरियाणा तक सीमित नहीं था, सोना के इलाकों में, गुरुग्राम के इलाकों में, मेवात नू से लगे हुए राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ऐसी घटनाएं की बात सामने आई। लेकिन एक जो अच्छी बात है कि कल से अब तक ऐसी कोई घटना दोबारा होते हुए नई खबरों में आई है। जी, और आखिरी सवाल ये कि पुलिस ये कह रही है श्रेया कि इस घटना में सिर्फ कम्युनल एंगल नहीं था, और भी कई साजिशें थीं। क्या है कि सिर्फ कम्युनल एंगल नहीं था, इसका मतलब क्या है, वो साजिशें क्या हैं जिसका इशारा पुलिस कर रही थी? देखिए एक जो चीज सामने आ रही है, क्योंकि हम जब मेवात के नू जिले में पहुंचे तो सबसे बड़ी जो छवि निकल के आ रही है, यहाँ का जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया है। उसमें अटैक हुआ था जब पुलिस ऑफिसर वहां पे मौजूद थे। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि ये जो अटैक साइबर पुलिस स्टेशन पे किया गया है, ये सिर्फ एक कम्युनल एंगल से नहीं देखा जा सकता। कुछ महीनों से नू के साइबर टीम ने मेवात के साइबर थम्स के खिलाफ कई ऐसे मुहिम चलाए। ये बताना बहुत जरूरी है कि मेवात इस वक्त साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। तो पुलिस सूत्रों का ये मानना है कि हिंसा के आड़ में कहीं ना कहीं जिन साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया उनसे जुड़े हुए लोग भी भड़के और एक साइबर थाने को जला दिया। तो सिर्फ कम्युनल वायलेंस तक ये सीमित नहीं था, एक रिवेंज टैक्टिक भी देखने को मिला है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल में जुड़े हुए लोगों ने एक साइबर पुलिस स्टेशन को बस बदले के आग में जला दिया। ये थी हरियाणा के नूह से श्रेया चैटर्जी। इस हिंसा के दौरान मरने वाले 5 लोगों में से 3 सिविलियंस और 2 पुलिस होमगार्ड्स हैं। गुड़गांव में मौलवी की हत्या के मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली की तरह बिहार में भी एक बड़े राजनीतिक मुद्दे पर एक बड़ा फैसला आ जाया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की जातियों के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जातीय सर्वेक्षण का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। दिनेश कुमार, जो इस मामले में इस सर्वेक्षण के खिलाफ पार्टियों के वकील थे, कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। केवल एक लाइन जैसा आपका था कि एक रिट याचिका खारिज की जाती है, इसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस मसले में कानूनी दलीलें क्या थीं, किस आधार पर रोक की मांग की जा रही थी जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया, पूछा मैंने पटना में मौजूद हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। देखिए ये जो बिहार का कास्ट सेंसस या कास्ट इन्यूमरेशन जो उन्होंने शुरू करा था, और मई में 4 मई को जब कोर्ट ने इस पर एक एंटरिम स्टे लगाया, तब तक 80% ऑफ द कास्ट इन्यूमरेशन एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। इसके खिलाफ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लाए गए थे उसमें 4 या 5 मुख्य दलीलें दी गई थी। पहला ये था कि ये स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंस में नहीं है। दूसरा, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर के द्वारा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि अगर ये लेजिटिमेट भी है तो जो लोगों से पर्सनल डिटेल्स ली जा रही है वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाती है और इंडिविजुअल्स के पर्सनल इंटरेस्ट के प्रति डिट्रीमेंटल है।
और चौथा था कि ये जो आप पैसों का उत्तर दें उसका प्रॉपर अप्रोप्रिएशन हुआ है कि नहीं। तो कोर्ट ने इसको सबसे पहले इस पर एक इंटरिम स्टे लिया था और राज्य सरकार की दलीलें भी सुनी थी और आज उन्होंने अपना एक 101 पेजेस का जो फैसला सुनाया है उसमें मुख्य रूप से उन्होंने राज्य सरकार की ये दलील मानी है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इस प्रोसेस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को के जो कंसेप्ट के अनुसार कर रही है और दोनों ऐसे लोगों को पिक कर रही है जो लास्ट इन द क्यू हो सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ कास्ट ही नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछा जा रहा है। तो उसके अनुसार ये गवर्नमेंट ने इस बात को सक्सेसफुली प्लीड करा, आर्ग्यू करा पटना हाईकोर्ट में कि हमारा जो एक एम्बिशन है वो संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार को जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसके अनुसार ही है और राज्य सरकार इसको सोशल जस्टिस के। तो इन सारी दलीलों को पटना हाईकोर्ट ने माना है और अपना एक बड़ा ही वृहद फैसला सुनाया है 101 पेज का, जिसमें उन्होंने जो दलीलें थी उसको